राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह पर बालकों की ओर से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के तहत बालकों की विभिन्न इकाइयों में मुंबई के विक्टोरिया डॉकयार्ड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह पर अग्नि दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता और उससे बचाव के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया। विभिन्न स्थानों पर आग बुझाने की तकनीकों का प्रदर्शन किया गया ताकि आग लगने की स्थिति में अधिकारी, कर्मचारी एवं ठेका श्रमिक विभिन्न अग्निशमक उपकरणों का प्रयोग तत्परता से कर सके। आग बुझाने के कुल तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं कूलिंग करना, ठंडा करना। मैंने आपको एक ट्रायंगल बताया था, उस ट्रायंगल में तीन बुझाएं थी, कौन कौन सी थी? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। बिल्कुल सही बताया आपने। तो जब इन तीन में से किसी एक को हमको रिमूव करना है तो सबसे पहले अगर हम हीट को रिमूव करना चाहेंगे तो उस मेथड को कहा जाता है कूलिंग करना, शीतलीकरण करना, मतलब आग को ठंडा करके बुझाना। ये सबसे अच्छा मेथड है क्योंकि इसको बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है और सबसे बड़ी बात, हमारे पृथ्वी पर पानी बहुत मात्रा में। आपने बताया ठीक है, ऐसा जन्म हो गया तो इस तरह की जो घटनाएं होती है उसमें आग लगने का खतरा बढ़ता है। जब तक बिजली का स्विच चालू है तब तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में वर्जित है। एक चीज बिल्कुल समझ लीजिए, अगर आपको कंफर्मेशन नहीं है कि हमें बिजली की आग में क्या करना है तो पानी कभी मत डालिए। आपको लग रहा है कि बिजली का स्विच बंद है तो भी जब तक कंफर्म नहीं होता है, आपके इंजीनियर कंफर्म नहीं करते हैं, तब तक पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी का इस्तेमाल वर्जित है। यदि पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमें शॉक लग सकता है। ठंडी होने के कारण यहाँ पर एक रबर का पकड़ने के लिए हैंडल दिया गया है, तो हमेशा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको हैंडल को ही पकड़ना है। इसके किसी भी धातु के पार्ट को नहीं पकड़ना है। धातु के पार्ट को यदि पकड़ेंगे तो यहाँ पर बर्फ जम जाती है, आइस फॉर्मेशन होता है, जिससे कि आपके हाथ में जलन महसूस होगी। तो अपवाद में से पहला अपवाद है कि इसको आप कभी भी लकड़ी या कपड़े की आग में अगर लगता है तो इस्तेमाल करेंगे, आग तो बुझ जाएगी, कोई परेशानी नहीं। लेकिन चूंकि वहां पर टेम्परेचर फिर मिल जाएगा तो आग रीइग्नाइट हो जाएगी, आग फिर से जलना चालू होगी, तुरंत जलना चालू होगी। इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल वहां नहीं करते। दूसरी जगह पर इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल पैनल के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये पाउडर होने के कारण आपके पैनल के अंदर जम जाएगा। फिर एक नई एक्सरसाइज, ये पाउडर को निकालो, ठीक है, तो हमारा जो इक्विपमेंट है वो भी खराब हो जाएगा। इसीलिए हम बिजली की आग में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए संयंत्र के विभिन्न इकाइयों में अग्निशमन सुरक्षा लेखा परीक्षण किया गया। विभिन्न इकाइयों में अग्निशमन सुरक्षा प्रश्नोत्तरी स्पर्धा आयोजित की गई, विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। बालकों में हम लोग 13 से 20 तक फायर सर्विस वीक वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और इस कार्यक्रम के दौरान हमने अधिक से अधिक लोगों में अपनी सभी ट्रेनिंग, फायर की ट्रेनिंग है उसको पहुंचाने की कोशिश की है। और प्रत्येक दिन हमारा टारगेट रहता है कि 500 एम्प्लाई कंटेंट वर्कमैन सभी को फायर के बारे में सूचना दें। बालकों के अग्निशमन विभाग ने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। ग्रामीणों और विद्यार्थियों को आग से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। और आइए
हवा के हमेशा विपरीत दिशा में हमको खड़ा होना है ताकि आज आपके ऊपर ना आए। हमारे दोस्तों बहुत धन्यवाद।